हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो अभी अपना टॉपिक चल रहा है एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। पांच पार्ट हम इसके स्टडी कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट सिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी रिफेम्पिसिन इज गिवन। ऑप्शन है डेली, ऑन अल्टरनेट डेज, वीकली और मंथली। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मंथली, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी ऑफ लेप्रोसी एक्सेप्ट। ऑप्शन है, इट हैज़ बीन हाईली सक्सेसफुल इन प्यूसीबिसिलरी बट नॉट इन मल्टीबेसिलरी केसेस। ऑप्शन बी है, रिप्लाइस रेट इज़ वेरी लो इन बोथ प्यूसीबिसिलरी एंड मल्टीबेसिलरी केसेस। नो रेजिस्टेंस टू रिफेम्पिसिन डेवलप डेफिसिट डेस्पाइट इट्स यूज वंस ए मंथ। एंड ऑप्शन डी है, प्रिविलेंस ऑफ लेप्रा रिएक्शन इज नॉट हायर कंपेयर टू डेप्सोन मोनोथेरेपी। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, इट हैज़ बीन हाईली सक्सेसफुल इन प्यूसीबेसिलरी बट नॉट इन मल्टीबेसिलरी केसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंटली अंडर द मास प्रोग्राम द ड्यूरेशन ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी इज। ऑप्शन है, 2 ईयर्स फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर ऑल केसेस, 1 ईयर फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर ऑल केसेस, 2 ईयर्स और मोर टिल डिजीज इनएक्टिविटी इज अटेंड। एंड ऑप्शन डी है, 1 ईयर फॉर केसेज विद बेसिलरी इंडेक्स 3 और लेस एंड 2 ईयर्स फॉर केसेज विद बेसिलरी इंडेक्स 4 और मोर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1 ईयर फिक्स्ड ड्यूरेशन फॉर ऑल केसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंगल डोज रिफेम्पिसिन प्लस ऑफ्लोक्सासिन प्लस मिनोसाइक्लाइन ट्रीटमेंट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर। ऑप्शन है, ऑल केसेस ऑफ प्यूसीबेसिलरी लेप्रोसी। ऑप्शन बी है, ऑल रिप्लेस केसेस ऑफ प्यूसीबेसिलरी लेप्रोसी। ऑप्शन सी है, सिंगल स्किन लेशन प्यूसीबेसिलरी लेप्रोसी। एंड ऑप्शन डी है, नॉन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल स्किन लेशन प्यूसीबेसिलरी लेप्रोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडिशन टू फंजाई एम्फेटोसरीन बी इज एक्टिव अगेंस्ट द फॉलोइंग पैथोजन। ऑप्शन है, एनरोबिक बैक्टीरिया, गार्डिया, लेशिमेनिया, रिकेस्टिसिए। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेशिमेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोलाइन एंटीबायोटिक्स एक्ट बाई। ऑप्शन है, इनिबिटिंग फंगल साइटोक्रोम P450 एंजाइम। ऑप्शन बी है, बाइंडिंग टू एरोगेस्ट्रोल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी है, इनिबिटिंग फंगल डीएनए सिंथेसिस। एंड ऑप्शन डी है, डाइसोरिएटिंग माइक्रोट्यूब्यूल्स इन फंगल सेल्स। एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बाइंडिंग टू एर्गोस्टेरॉल एंड क्रिएटिंग माइक्रोपोर्स इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फेटोसरीन बी इज नॉट इफेक्टिव इन द फॉलोइंग फंगल डिजीज। ऑप्शन है, क्रिप्टोकोकाइस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, प्लास्टोमाइकोसिस एंड डर्मेटोफाइटोसिस। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डर्मेटोफाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी ऑफ एम्फेटोसरीन बी इज। एंड ऑप्शन है इसके, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड बोन मैरो डिप्रेशन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूअर लिपिड फॉर्मुलेशंस ऑफ एम्फेटोसरीन बी इज डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉर्मुलेशन इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट एक्सेप्ट। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दे आर मोर एफिकेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द एंटीफंगल एंटीबायोटिक विच इज यूज इंट्रावेनिसली फॉर सिस्टेमिक माइकोसिस। ऑप्शन है, ग्राइसोफुलविन, नाइस्टेटिन, एम्फेटोसरीन बी एंड हेमिसिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एम्फेटोसरीन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मोनिलिनल डायरिया इज। एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या है इसमें, नाइस्टेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्राइसोफुल्विन इज इंडिकेटेड इन ऑप्शन है ऑल टाइप ऑफ इंटिया इन्फेक्शन ओनिकोमाइकोसिस एंड ऑप्शन सी है पिट्रिएसिस वेरिसिकोलर ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ओनिकोमाइकोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एंटी फंगल ड्रग विच इज एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय द ओरल रूट एंड ऑप्शन है एम्फेटोसरीन बी कीटोकोनाजोल ग्राइसोफुल्विन एंड टोलनाफेट एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या है इसमें ग्राइसोफुल्विन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट प्रोबेबल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इमिडाजोल एंटीफंगल ड्रग इज एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दे इंटरफेयर विद एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस बाय फंगाई नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लुकोनाजोल डिफर्स फ्रॉम कीटोकोनाजोल इन दैट ऑप्शन है इट इज़ नॉट एक्टिव बाय द ओरल रूट इट इज़ ए मोर पोटेंट इनिबिटर ऑफ ड्रग मेटाबोलिज्म इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन क्रिप्टोकोकल मैग्नेटिस एंड ऑप्शन डी इट इज अनलाइकली टू प्रोड्यूस एंटी एड्रेनर्जिक साइड इफेक्ट्स एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इट इज अनलाइकली टू प्रोड्यूस एंटी एंड्रोजेनिक साइड इफेक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लुकोनाजोल ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर कीटोकोनाजोल एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इट प्रोड्यूस फीवर साइड इफेक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू इट्राकोनाजोल एक्सेप्ट एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इट इज़ प्रिफर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल मेनिंजाइटिस नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लुकोनाजोल इज मोर इफेक्टिव देन इट्राकोनाजोल इन द फॉलोइंग सिस्टेमिक फंगल डिजीज एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डिसेमिनेटेड स्पोर्ट्राइचोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोट्रिमेजोल इज यूज फॉर द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट मोनिलियल डायरिया मोनिलियल वेगाइनिटिस एंड ऑटोमाइकोसिस एंड टीनिया क्यूरिस एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन टी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली एजोल एंटीफंगल ड्रग विच हैज सम एक्टिविटी अगेंस्ट मोल्ड्स लाइक एस्परगिलस इज ऑप्शन है इट्राकोनाजोल फ्लुकोनाजोल माइकोनाजोल एंड कीटोकोनाजोल एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इट्राकोनाजोल नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ड्रग दैट इज फंगिसाइडल एंड एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग फंगल सिक्वेलिन एक्स एपोक्सीडेज एंजाइम एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टर्बिनाफाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग ड्रग्स आर इफेक्टिव इन सिस्टेमिक माइकोसिस एक्सेप्ट ऑप्शन है टर्बिनाफाइन इट्राकोनाजोल कीटोकोनाजोल फ्लुकोनाजोल एंड राइट आंसर ऑप्शन ए टर्बिनाफाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिसइंफेक्टिव फीचर ऑफ टर्बिनाफाइन इज एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इट कैन बी यूज टॉपिकली एज वेल एज ओरली फॉर डर्मेटोफाइटोसिस नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर टॉपिकल एंटीफंगल ड्रग्स एक्सेप्ट ऑप्शन है सिक्लोपियोरोक्स ओलामाइन टोलनाफेट कोर्टामिटोन एंड टर्बिनाफाइन एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी क्रोटामिटोन नेक्स्ट क्वेश्चन है इडोक्सुरिडीन इज इंडिकेटेड इन एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हर्ब्स सिंप्लेक्स क्रिएटिटिस नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाई वायरस सेलेक्टिविटी ऑफ एसिक्लोवीर इज ड्यू टू एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन ए है यहाँ पर इट्स प्रिफरेंशियल अपटेक बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ऑप्शन बी है नीड्स ऑफ वायरस स्पेसिफिक एंजाइम फॉर इट्स कन्वर्जन टू द एक्टिव मेटाबोलाइट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेज इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू एसिक्लोवीर एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हर्प्स सिंप्लेक्स टाइप वन वायरस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू ऑफ एसिक्लोवीर ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्प्स सिंप्लेक्स एंड राइट आंसर इसका ऑप्शन सी ओरल थेरेपी फॉर 10 डेज अफोर्ड्स सिम्पटोमेट्रिक रिलीफ बट डज नॉट प्रिवेंट
रिकरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंसिक्लोविर इज प्रिफर्ड ओवर एसिक्लोविर इन द फॉलोइंग कंडीशन। ऑप्शन है हर्ब्स सिंप्लेक्स कैरेटिटिस, हर्ब्स जोस्टर चिकन पॉक्स, एंड ऑप्शन डी है साइटोमेग्लोवायरस राइनाइटिस इन एड्स पेशेंट। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, साइटोमेग्लोवायरस रिटेनिडस इन एड्स पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फेमसिक्लोविर, एंड इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इट इज़ यूज ओरली टू ट्रीट जेनेटल हर्ब्स सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिडो वुड इनहिबिट द फॉलोइंग वायरस और वायरसेस। ऑप्शन है इसमें ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस, साइटोमेग्लोवायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंटली मोनोथेरेपी विद जिडोवुडाइन इज रिकमेंडेड फॉर, एंड इसका राइट आंसर है, सो इसमें ए एंड बी एंड सी तीनों इसमें इनकरेक्ट है, नन ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो द फॉलोइंग ड्रग रिड्यूज एच आई वी टाइट्री, इट इज़ यूज ओनली टू ट्रीट एसोसिएटेड साइटोमेग्लोवायरस इन्फेक्टेड इन एड्स पेशेंट, एंड ऑप्शन है डिडानोसाइन, फोस्कारिनेट, एसिक्लोविर, स्क्विनिविर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फोस्कारिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वायरस डायरेक्टेड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज इनहिबिटेड बाई। ऑप्शन है एमेंटाडिन, जिडोवुडाइन, वायरडाविन एंड एसिक्लोविर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जिडोवुडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एंटी एच आई वी ड्रग्स शुड नॉट बी कंबाइंड विद जिडोवुडाइन बिकॉज ऑफ मल्टी म्यूचुअल एंटागोनिज्म। ऑप्शन है सेटिवुडाइन, लेमिवुडाइन, निवारपिन एंड रिटोनावीर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, स्टाइवुडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ड्रग दैट इज एक्टिव अगेंस्ट बोथ एच आई वी एंड हेपेटाइटिस बी वायरस। ऑप्शन है लेमिवुडाइन, इंडिनावीर, डिडानोसिन एंड एफेवेरेंज। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, लेमिवुडाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट अफोर्ड द फॉलोइंग बेनिफिट्स इन एच आई वी रिएक्शंस। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट है। ए है इंक्रीज सी डी फोर ल्यूकोसाइट काउंट, एंड ऑप्शन बी है रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस इन एड्स पेशेंट, एंड ऑप्शन सी है इंक्रीज सर्वाइवल टाइम इन एड्स पेशेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हेल्थ वर्कर गोट एक्सीडेंटली एक्सपोज टू एच आई वी इन्फेक्टेड बायोलॉजिकल सैंपल, एंटीवायरल ट्रीटमेंट विल अचीव द फॉलोइंग इन हिम। एंड इसके ऑप्शन है रिड्यूस द रिस्क कॉन्ट्रैक्टिंग एच आई वी इन्फेक्शंस, ऑप्शन बी है रूल आउट ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एच आई वी इन्फेक्शन। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एच आई वी इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ड्रग दैट एक्ट्स बाई इनिबिटिंग एच आई वी प्रोटीज एंजाइम, एंड ऑप्शन है इसमें जेलसी जालकी टेबिन, एफेरेंज, स्टेवुडाइन एंड डेल्फिनावीर। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, नेल्फिनावीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी एच आई वी ड्रग थेरेपी इज रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एच आई वी एक्सपोज सब्जेक्ट, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एच आई वी पॉजिटिव एसिम्पटोमेटिक सब्जेक्ट विद सी डी फोर सेल काउंट लेस देन 200 म्यू एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी इज नॉट रिकमेंडेड इन एसिम्पटोमेटिक एच आई वी इन्फेक्टेड सब्जेक्ट विद सी डी फोर सेल काउंट मोर देन 350 म्यू एल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, एंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड सी आर करेक्ट। ए है ऑल एंटीवायरल ड्रग लॉज एफिकेसी आफ्टर सम टाइम, एंड ऑप्शन बी है एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कॉम्प्राइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एसिम्पटोमेटिक सब्जेक्ट, एंड ऑप्शन सी है द ट्रीटेड सब्जेक्ट में प्रोड्यूस द ट्रांसमिट ड्रग रेजिस्टेंट वायरस। ओके फ्रेंड्स, तो यह था इसका एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का एमसीक्यूज का पार्ट 6। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं हमें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।